हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने एक वीडियो का अभी एंड किया था और दूसरा वीडियो शुरू हो चुका है मेरा, जो कि यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, जो कि तैयारी चल रही है। तो एक तरफ बहन का फ़ोटो शूट चल रहा है, यहाँ पर मेरी मौसी जी वगैरह, मामी जी सब बैठी हुई हैं, और एक तरफ डीजे भी चल रहा है, जो कि गाने डांस वगैरह और ये सब चल रहा है, और यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा है, जो कि होता है ना फोटोग्राफर, मतलब जो भी क्लिप निकालता है उसकी, तो वो बहन की वो सब चल रहा है यहाँ पर। तो वही तैयारियाँ हो रही हैं और डांस, ढोल, बाजा सब कुछ, मतलब बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ, जो कि हमारा सुबह का फंक्शन ना निकल चुका था। हम जब पहुँचे थे तो वही खाना पीना चल रहा था उस समय। भाई आप लोगों ने, जैसे कि खाना पीना चल रहा था जब हम पहुँचे थे, तो खाना चल रहा था वहाँ पर, जो कि सुबह के हल्दी का जो प्रोग्राम होता है ना, जैसे घर पे हल्दी चढ़ती है, वो सब सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो हो चुके थे हमसे पहले, और उसके बाद में ये सब हुआ। और डांस वगैरह बहुत मस्ती की बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी डांस इंजॉय करिए। Thank you.
देखा आप लोगों ने, बच्चों का डांस मस्ती बहुत ज़्यादा, मस्ती तो बहुत हुई थी। मतलब भाभियाँ वगैरह ने बहुत डांस किया था, लेकिन मैं कॉपीराइट की वजह से ना ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कुछ डाल नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने सबको, आपको यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा अपने आप को दिखाया। मैं इस बार पूरा वीडियो मैंने बनाया, तो कहीं मतलब वो नहीं है, बच्चों ने इंजॉय कर रहे थे बच्चे। हम सब लोग घूमने गए मेले में एक बार, जबकि कभी ऐसा मेला वगैरह, क्योंकि गेट पे ही मेला लगता है और बहुत बड़ी जगह में मेला लगता है, तो उसमें सब घूमने गए, मौसी जी वगैरह सबको लेके गए। मैंने कहा सब चलो घूमने के लिए, बहनें वगैरह सब इकट्ठा हो गई तो सब। और उसके बाद में आ चुके हैं भाते, जो कि मेरी मामी जी के भाई वगैरह जो होते हैं ना, वो आ चुके हैं सब लोग। तो भात मतलब लिया जा रहा है, उनको लिया जा रहा है पहले। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वही हंसी मजाक गाली गलौज चल रही थी, क्योंकि उधर की साइड में ना बहुत गाली होती है, तो मैंने यहाँ पर बॉयज ओवर किया। मैं पर भातियों को लेने के बाद भात पहनाने की तैयारी कर ली गई, जो कि साथ की साथ शाम के टाइम, क्योंकि हल्दी का फंक्शन भी होना है, तो इस वजह से ना थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी प्रोग्राम चल रहे थे, जैसे कि भात पहनाने का। तो यहाँ पर भात की मतलब तैयारी कर ली गई है, सारा सामान वगैरह निकाल के जो रख लेते हैं वो सब कर लिया है यहाँ पर। और बात में सबको बारी बारी से वही पहनाया जाएगा। और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा आएंगे पहले, क्योंकि वो मान पक्ष के हैं, तो इस वजह से पहले उनको पहनाया जाएगा, बाकी सभी को बारी बारी से पहनाया जाएगा। इसी तरीके से भात, जो कि हर जगह ऐसे ही होती हैं, ये वाली रस्में तो हर जगह ऐसे ही होती हैं, लेकिन वही है ना कि सबका थोड़ा बहुत तरीका अलग होता है, बाकी
बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे हो। और इसके बाद में हल्दी का फंक्शन मिलेगा जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते तो इसलिए मतलब अलग अलग पार्ट में कर दिए हैं। और यहाँ पर देखो भाई को भी पहनाया जा रहा है और सबको पहनाया जाएगा, मुझे भी पहनाया जाएगा, मैं भी पहनूंगी। और उसके बाद में अभी मौसी जी आ चुकी हैं मेरी, तो मतलब मौसी जी वगैरह, मम्मी के बाद में मौसी जी छोटी हैं, तो इस तरीके से बारी बारी सबको पहनाया जाएगा, जो कि जितने भी अपनी बहनें और बाकी जो भी होते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं, सबको पहनाया जाता है। तो यहाँ पर वही सब चल रहा है। और देखिए मैं भी आ चुकी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी बुलाया गया, तो मैं भांजी हूँ उनकी, तो मुझे भी बुलाया गया। और चलिए तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ।